जब लो नहीं भाग लिलारे उदय तब लो भ्रमते फिरते बहतायो। कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार जहै मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ न आयो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ न आयो। वाहिगुरु जी तनासरी महला पंजवां। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लहिया। रहाओ कोट पराद हमारे खंड हो अनक विधि समझाव हो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखाव हो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले रख हो राखन हार दयाला नानक करके गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले रख हो राखन हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महान दिवस मूरत भले जिस कौ नदर करे नानक मंगै दर्शदान कृपा करो हरे। नानक मंगै दर्शदान कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कुड़ाव्या दिसन शबे शार हर अमृत बूंद सुहावणी मिल साधु पीवन हार। वण तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार। जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौं तिन कै सद बलिहार। नानक हर जी माया कर शब्द सवारण हार।
सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम उर हार। सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम उर हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु। गरीब नवाज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, सतगुरां दे पावन अस्थान गुरद्वारा श्री बुरज साहब जी विखे संग्राम दे पुरब ते सतगुरां दे चरणां च हाजरियां भर रहे सब गुरु रूप, गुरु खालसा साध संगत जी, गुरसिखां वास्ते कोई दिन बहुता चंगा नहीं ते कोई माड़ा नहीं, उही दिन चंगा है जिस दिन जीव नूं चेत आउंदा है जी सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्हों गुरु चेते आ उहदे वास्ते सारे दिन चंगे आ ते इक्को जिहे ने, क्योंकि महाराज कहिंदे ने जिहड़ा कल सूरज चढ़िया सी उही अज चढ़िया है, कल नूं फिर इदां दा ही चढ़ेगा। फर्क की होएगा? उंज इक सुनेहा है, अज इतिहास भी कथा भी बड़ी लंबेरी है, टाइम काफ़ी हो गया, मैं छोटा जिहा मैसेज दस देना। संग्रांद दा अर्थ की है? बड़ी बारी इत्थे कथा होई, संग्रांद संस्कृत दा अखर, और संग्रांद तो भाव के संक्रांत, संक्रांत तो भाव के क्रांति, क्रांति दा अर्थ हुंदा बदला। जिद्दां दा कल सूरज चढ़िया सी अज ओना गर्म नहीं होएगा, उहदे विचों थोड़ा जिहा फर्क पै जाएगा, भावें वाल भारी पवे, कल नूं फिर फर्क पै जाएगा, कल नूं फिर फर्क पै जाएगा। तो महीने बाद सूरज एक रास विचों बदल के दूजी रास में चलिया जाता। तो संग्रांद का भाव आ कि क्रांति बदला, यह एक सुनेहा है कि यह मनुख किन्ने साल हो गए ने तेनों जन्म लैके दुनिया ते आए नूं, जिदा दिन रोज़ दे रोज़ बदलते जाते ने, तू भी अपने जीवन में कोई तब्दीली कर, तू अपने गुरु नूं पुछ, अपने परमेसर नूं, अपने रहबर नूं पुछ, भले पुरखां दे लागे बैठ के जिहड़ियां पिछे गलतियां करदा सां, जे ओ ही गलतियां गांह वी करी जावे ते तेरा संग्रांद ते आउण दा कोई फायदा नहीं पई। सूरज बदल गया है, रुत्त बदल गई आ, बंदा नहीं बदलिया, इहदी काहदी संग्रांद आ? उहदे वास्ते ते संग्रांद आई नहीं। जिन्ना मैं कल झूठ बोलदा सां अज भी मैं उदां ही बोलां, ते मेरे वास्ते ते संग्रांद आई नहीं। जिन्ना मैं कल बेईमान सां अज भी मैं उन्ना ही बेईमान होवां, जां जिहड़ी जिहड़ी मैं जिद्दां निंदिया, जां जो कुछ भी मैं कल गलतियां करदा सी, संग्रांद ते हो के ते आउण वाले दिनां च फिर मैं उही गलतियां करां ते उहदे जीवन विच संग्रांद नहीं आई, भाव के तब्दीली नहीं, क्रांति नहीं आई। संग्रांद उहनां वास्ते आ जिन्हां ने अपनियां गलतियां नूं बहि के याद कीता, उहनां गलतियां नूं छड्डण दा यतन कीता, जे नहीं छुटदियां ते गुरु दे दर ते आ के इत्थे अपना मत्था साध संगत विच गुरु के चरणा चलाया भी महाराज मैं गलतियां छड्ड नहीं सकिया, ये मेरा कर्म बड़ा प्रबल आ, तुसी मेरे ते कृपा करो, ते महाराज फिर दया कर दे। उन्हां नूं ये लाभ है संग्रांद दा। आओ अज दे मुख वाक सावण दे महीने विच श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो बख्शिशां कर रहे ने, इन्हां अमृत भरे बचनां दी विचार करन ते सुनन वास्ते गुरु की आसीस प्राप्त करो। सब आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, फिर आखो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सावण सरसी कामणी चरण कमल सिंह प्यारे, मन तन रता सच रंग इक नाम आधार। साहब दया करते ने सावण सरसी कामणी, कामणी का भाव इस्त्री, इस्त्री तो भाव आ कि जिन्निया भी असी रूहां इत्थे संगत विच बैठी हाँ जां बाहर संसार ते जो कुछ भी है,
इन्हां सारियां रूहां दे विचों उन्हां रूहां नूं सुख बनेगा जिहड़ा मालक दे नाम नाल जुड़ गया है। सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, जिहदा एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे चरणां दे नाल प्यार बन गया, उहनूं सारे सुख मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। महाराज कहिंदे ने जिन्हों एक दा ही आसरा है, बहुतियां दे आसरे नहीं ना जिहड़ा लैंदा उहदी जिंदगी विच सुख बनदा, जिहड़ा उत्थे भी आसरा लैंदा उत्थे भी आसरा लैंदा उहो जिहां दी जिंदगी विच सुख नहीं बनदा। जिहदे मन नूं परमात्मा दे नाम दा रंग चढ़ गया उहदे वास्ते पुराने पिंडां दे विच भावें उह बजुर्ग अनपढ़ हुंदे सी, गल्लां बहुत चंगीआं करदे सी, बाणी मुताबक ही करदे सी, उह कहिंदे सी लोकां दी दिवाली कदी कदी आउंदी आ, लोकां दी बसंत साल बाद आउंदी आ, दिवाली भी स्वाद बाल आउंदी आ, पर जिहड़े साधु लोग ने जिहड़े नाम जपण वाले लोग ने उहनां वास्ते उह कहिंदे हुंदे सी नित दिवाली साध दी अठे पैर बसंत, भाव के नाम जपण वालियां दी रोज़ दिवाली, कदी कदी खुशी नहीं। उहनूं गुरु नानक साहिब जी महाराज ने इंज कह दिता, नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास। जिहड़ा परमात्मा दे नाम नूं सुणदा है, आप जपदा है, सुणदा है, उहदे दुखां कलेसां दा नाश, ते जिहदे घर विच दुख कोई नहीं, कल्पना कोई नहीं, चिंता नहीं, कला कलेश नहीं, उहदे घर विच सुख आ। घर तों भाव के हिरदा और ऐसा सुख किवें बणदा, किवें रंगिया जाएगा? गरीब नवाज जी का एक बोल आ गुरु अर्जन देव जी का, महाराज कहिंदे ने जे किसी नूं सदा सुख चाहिदा ते फिर वह इस तरह करे कि अंतर गुर आराधन जेवा जप गुर नाओ, अपने अंदर गुरु नूं चेते रखे हर वेले, ते जबान नाल गुरु जी का दिता होया नाम जपे, जो जो किसी के धर्म में कोई राम राम कवे, कोई वाहिगुरु कवे, कोई किसी का जो भी गुरमंत्र आ वो अपने दिते हुए इष्ट दे मंत्र नूं जपे, अंतर गुर आराधन अंदरों हर वेले चेता रखे ते जबान नाल जपे, की होएगा? अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुर नाओ। मारे कहिंदे ने जे मूँह नाल जपना वा ते अखां नाल संगत विच आण के ते गुरु दा दर्शन करो, संगत दा दर्शन करो, ते आ जिहड़े कन्न दिते होए ने इन्हां कन्नां दे नाल गुरु की कथा गुरु का कीर्तन सुनो। जिहड़ा ये चार काम करेगा ना, अंदरों गुरु नूं चेते रखना, जबान नाल गुरु जी का दिता होया नाम जपना, ते इन्हां अखां दे नाल गुरु जी का दर्शन करना, ते कन्नां नाल गुरु की सिफत सुननी, अकाल पुरख परमेश्वर प्रभु की वडियाई सुननी, जिहड़ा ये काम करूगा की होएगा? सतगुर सेती रतिया दरगह पाईऐ ठाउं। मारे कहिंदे ने जिहड़ा ये चार काम रोज़ करेगा बहुत छेती उहदा मन परमेश्वर दे नाम विच रंगिया जाएगा, ते गुरु नानक साहब की दरगाह विच उहनूं थां मिलेगी, उहनूं इत्थे भी सुख उत्थे भी। ते सावण दे महीने च की करना? गुरु अंगद देव जी महाराज कहिंदे ने सावण आया हे सखी कंता चित धरे हो। महाराज कहिंदे ने नी सहेलीए नी भैणा, एक दूजे गुरसिखां नूं आवाज़ दे के गुरु अंगद देव जी कहिंदे ने सावण दा महीना आ गया जे, अपने मालक वल ध्यान करो। सावण दा महीने दा भाव अज बड़ा खुशियां भरिया देने, गुरु साहब हर एक दे उत्ते किरपा करन वास्ते तैयार ने। सावण आया हे सखी, आया दा भाव अज बड़ा सुहावना समा दिन चढ़िया है। अज दा भाव कला संग्रांद ही नहीं, एवें किसी नूं भुलेखा पै जे भी अज ही सुहावना चढ़िया। असी सुते सां राती, ये सुहावना सभा उन्होंने मिलया जेडे सवेरे उठ पे ने। तुसी आखोगे संगरांद वाले दिन किदां दीआं गल्लां करदा, सानू तो नहीं कोई संगरांद संगरूंद की गल, मैं तो जो गुरु का बोला वह लगा दसण। सुहावना समा उन्हां वास्ते आ जेडे राती सुते सी ते सवेरे उठ पे ने, जेडे राती सुते सी ते वह मुड़ के उठे ही नहीं, उन्हां वास्ते सुहावना समा कोई। वाहिगुरु महाराज ने आख्या सावण आया हे सखी कंते चित धरे हो। ते गरीब नवाज जी अगो कहिंदे ने नानक झूर मरे दुहागणी जिन अवरी लगा ने हो। जेडे गुरु परमेश्वर नूं छड के होर किसे तरीके दे नाल सुख लैणा चाहणगे, मारे कहिंदे ने कल्प कल्प के दुखी हो के दुनिया तो चले जाणगे पर सुख नहीं मिलेगा। सुख कादे नाल है? मारे फिर अगले श्लोक विच कहिंदे ने सावन आया हे सखी
जलहर बरसनहार, जलहर दा भाव है बदल, बदल पैण नू तैयार आ, बदल वराऊ हो गया है। वराऊ की होया है? बदल दा अर्थ है गुरु, गुरु पूरा तैयार आ। मारे कहिंदे ने अपने अंदरों हिरदे विच शरदा दी झोली खोलो ते गुरु तुहाडी झोली विच नाम अमृत दा मीह पावे। क्योंकि इत्थे की हो रहा है? गरीब नवाज गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का बोल, मारे कहिंदे ने बरसे मेघ सखी, 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 बरसे मेघ सखी। घर पाहुन आए, पाहुन का भाव है कि प्रौणा, प्रौणे तो भाव है मालक वाहे गुरु। गरीब नवाज जी कहिंदे ने संगत विच बह के गुरु अगे शरदा दी झोली अड्डो, भाई महाराज तेरे घर विच आए हाँ, कृपा करके ओ चीज साडी झोली विच पा जिहदे नाल सानू सुख मिले। कई बार इत्थे बेनती कर चुके हैं अगे भी, पैसे मंगण नाल सुख नहीं बनता, जमीना जायदादां मंगण दे नाल सुख नहीं बनता। परमेश्वर कृपा करे वह सारिआं नूं दवे, पैसे तो बिना, जायदाद तो बिना, कमाई तो बिना किसी का भी गुजारा नहीं, वह सारिआं नूं चाहीदा। पर महाराज नाल नाल ये भी दस्या भी ये सुख वाली चीज़ा नहीं गिया, ये गुजारे वाली चीज़ा ने, ये नाल तुसी अपना जिंदगी का निर्वाह कर सकते हो। सुख कादे विच आ? महाराज गुरु तेग बहादुर जी कहिंदे ने सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सब सुख दाता राम है, दूसर ना है ना कोई। जिन्हों इस गल की समझ लगी आओ तुहानू उस महापुरख की कथा सुनाइए, जिन्हां नूं पता लगा भी सुख किदां लिया जांदा। सुख लैण दी जिन्हां नूं जाच आ गई, उन्हां ने अपनियां जेबां विचों कढ कढ के लोड़वंदां नूं सब कुछ देता। वाहिगुरू। उन्हां ने अपने घरों भांडिआं तक खाली करके ते लोकां दे घरां विच झाड़ दित्ते पुठे कर करके, ते फिर भी उन्हां ने आखिया भी साडे कोल ते बहुत कुछ आ, शुक्र आ सच्चे पातशाह, तू मंगता नहीं बनाया, दाता बनाया वा, दे के खुश वा। जे तू मंगण वाला मंगता बना दिंदो ते फिर की कर लैणा सी असीं, दे के खुश हुंदे ने गरीबन वा। उस गुरमुख प्यारियां दी आप जी नूं कथा सरवण कराउना, जिन्हों गुरु घरों सिदक प्राप्त होया, जिन्हों सतगुर दे घरों नाम दी दात प्राप्त होई ते गुरु का बचन मन के उन्हें अपना मन मालक दे रंग विच रंग लिया, ते फिर उन्हें किदां, कल्ला घर दे पदार्थ ही नहीं, उन्हें अपने शरीर नूं भी लोकां दे उत्तों निशावर करके ते खुशी खुशी जिंदगी बतीत करके दसी। ओ सी महापुरख शहीद भाई तारू सिंह जी, जिन्हां दी अज दे दिन लाहौर विच खोपरी ला दित्ती गई सी। और ये होया इस तरह सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे शहीद हो जाण तो बाद सिखां दे उत्ते 100 साल जुल्म होया, और इन्ना जुल्म हो गया कि मुसलमानां ने ते ये ऐद कर लिया सी मुगलां ने, पग वाला बंदे दा जे को सिर वढ के लियाऊगा ते उहनूं इनाम दित्ता जाऊगा। और इस देश दे लालची लोकां ने कुड़ियां दे सिर वढ के, क्यों वढे भला, उह वी मजबूरी सी, मुगल जिहड़े सी लै जांदे सी नौवां धीआं नूं चुक के, अपणियां ही कुड़ियां दे इस देश दे लोकां ने सिर वढ के उहनां दे सिरां ते जूड़े करके ते उहनां दे वी पैसे वटे। क्यों? क्योंकि जदों जूड़े वाले बंदे दा सिर जांदा सी ते उहनूं इनाम मिलदा सी, लोकी लोकां दीआं तुरियां जांदियां धीआं भैणां दे वी सिर वढ के ते उहनां दे जूड़े करके लाहौर लै के जांदे सी। इतों तक कहता भी गुरु अखर पंजाब विच ना कोई बोले, क्योंकि जो कोई गुरु कहिंदा ना ते उहदे उत्ते भी बख्शिश हुंदी है, तो उहनूं सिखी चेते आउंदी है, सिखी ना जुड़दा। गुड़ गुड़ अखर गुड़ जिहड़ा सी ओह कहना बंद कर दिता सी, मुगलां ने आखिया गुड़ नहीं कहना भेली कहना,
गुड़ की रोड़ी नहीं कहना भेली कहना है। जकरिया खान ने जो इदा तसद्दत किया पंथ के लोगों ने यह विचार की थोड़ा समा जंगलों में लैके गुजारा कर लो, सिखी जरूर रखनी है, घर छड़ना पवे तो छड़ दो। तो जिहड़ा पंथ सी ना वो दो धिरां दे विच वंडिया गया, पंथ ने सलाह की दो धिरां बन गई, एक का नाँ रख्या गया घरबारी खालसा, एक का नाँ रख्या गया दरबारी खालसा। दरबारी खालसा वह हुंदा सी जिन्हां ने हर वेले शस्त्र बन के ते हर वेले तैयारी की हुंदी सी कमर कसे करके भी किते भी लोड़ पवे जिथे मुगल अत्याचार करदे आ उत्थे उसे वेले जाके उन्हां दा टाकरा करना, जींदे बचीए भावें ना बचीए जुल्म नहीं सहना किसे ने। वह दरबारी खालसा हुंदा सी ते जंगलां विच रहिंदे सी, उन्हां दा काम सी जंगां लड़ना। दूजा हुंदा सी घरबारी खालसा, घरबारी खालसे का मतलब हुंदा सी भी तुसीं किरत करो घरां विच ते किरत करके जिहड़े जंगलां विच बैठे ने तुहाड़ी जिम्मेवारी आ उन्हां नूं कपड़े पहुँचाउणे ने, उन्हां नूं लंगर पहुँचाउणा है, उन्हां दी दवा दारू करना, घोड़े लै के देने ने, शस्त्र लै के देने ने। पंथ ने सलाह करके अपने आप नूं दो हिस्सों विच वंड लिया, जिहड़े घर विच रहिंदे सी ओह लोकी अपने दाणे नहीं सी वेचदे, खाण जोगे रख लैंदे सी, बाकी जंगलां च पहुँचाउंदे सी, लीड़ा कपड़ा लै के शस्त्र खरीद के ते सिंघां नूं पहुँचाउंदे सी जंगल विच। जिस वेले मसे रंगड़ का भी सिर वड्या गया वह भी सिंह काबू ना आए, होर भी थां पर थां ते सिंह हमला करदे आ बदला लैंदे आ पर काबू नहीं आउंदे। जकरिया खान ने आख्या कि पिंडां चों भजा के जंगल विच कढ दित्ते ने ते जंगलां विचों खांदे की ने। किसी ने जाके दस्या जी इन्हां दे विच लंगर की प्रथा वा, जिन्ना चिर इन्हां दे लंगर चलदे ने उन्ना चिर सिखां नूं तूं मार नहीं सकदा। उन्हें कहा लंगर पहुँचाउंदे कौन ने, पिंडों पिंडी सूइए भेजे। पता लग गया भी पूले पिंड दे विच एक तारू सिंह नां दा नौजवान आ जिहदे घरां दे विच आम संगतां ग्राही इकट्ठी करके दाणा फका भेजदियां ने ते ओह दाल सब्जियां प्रसाद तैयार करके ते जंगल विच देण जांदा है। भाई तारू सिंह दा पिता नहीं सी, ओहदी मां सी ते इक ओहदी छोटी भैण सी, ते उहने अपनी मां नूं कहा होया सी कि मां पता कोई नहीं किदण दुनिया तो चले जाणा, जे संगत की सेवा करते करते जाइए तो दुनिया याद रखूगी। माँ ने आख्या कोई नहीं पुत तकड़ा होकर सेवा कर। हर वेले उहदे घर भट्ठियां चढ़िया रहिंदियां सी, दालां बनदियां सी, प्रशादे पकदे सी। सूइए ने जाके जदों लाहौर दस्या जिन्ना चिर तारू सिंह वर्गे बंदे जीते ने उन्ना चिर तू सिखां नूं मार नहीं सकदा, क्योंकि वह दिने खेतां च कम करदा ते रात नूं लंगर लैके जंगल विच जांदा। सिपाही आ गए, भाई तारू सिंह नूं फड़ के लाहौर लैके गए। जकरिया खान ने आख्या तारू सिंह भई तैनू सानू तो पता भी तू साडी बगावत साडे विरुद्ध करदा ते बागी दी सजा सजा मौत, तू बच सकना क्योंकि सारा पिंड इकट्ठा होके आया वा, भी तेरी उम्र थोड़ी है, बिल्कुल थोड़ी जी, 25-26 साल का नौजवान सी भाई तारू सिंह, तेरी उम्र थोड़ी, तेरी भैन कुवारी आ विहण वाली, तेरी माँ विधवा वा, प्यो तेरा सिर ते नहीं, सारे पिंड दे तरले करके तेनू छड सकने आ, बस इदां कर सिर दे केस कटा ला, थोड़ी जी दाढ़ी कटा ला, एक बारी कह दे मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख नहीं, जा चुप करके अपनी जिंदगी बतीत कर तेनू छड देंगे। भाई तारू सिंह ने आख्या ये तो मौत नालों भी माड़ी सजा वा, मैं अपने केस क्यों कटावा, क्योंकि सतगुरां दा हुक्म आ। हुणे तुसीं अरदास विच सुनिया महाराज जी कृपा करो सिखां नूं सिखी दान, ते फिर सिखी शुरू कित्थों हुंदी आ, अगला हुंदा केस दान, जे केस है ने ते सिखी आ, जे केस नहीं ते सिखी बिल्कुल नहीं। उहनां कहा बिल्कुल नहीं, मैं केस नहीं कटावांगा। बार बार भाई तारू सिंह नूं जदों आख्या उहनां केस नूं बेअदबी करन वालों नहीं मन्ने ते हंकारे होए जकरिया खान ने आख्या ओए गल सुन तू केस ना भी कटा, जिन्हां केसां ते तू माण करना जिहड़ी सिखी ते तू माण करना ना। जकरिया खान ने आख्या मैं तेरे सिर विच जुत्तियां मार मार के तेरे सिर दे केस उड़ा देंगा। वाहिगुरू। उहने पता क्यों आख्या, क्योंकि भाई तारू सिंह दीआं बाहवां बद्धियां होईआं सी, जदों आख्या मैं जुत्तियां मार मार तेरे सिर दे केस उड़ा देंगा, तो वह गुरु का सिख वह सी जिहदी असी गल कर रहे हैं भी सावण सरसी कामणी चरण कमल सिंह प्यार, वो जिहदा मन रंगिया होया सी, वह एवें कच्चा बंदा नहीं सी उत्थे लाहौर खलोता होया कचहरी दे विच। जकरिया खान नूं मोड़ के जवाब दिता आखन लगा सुन जकरिया खान
तू जुतियां मार मार के मेरे सिर दे वाल की अड़ाउणे आ, मैं अपने कलगी वाले पातशाह जी दे अगे अरदास कर लगा वा, जे मेरे कलगी वाले पातशाह नूं मंजूर होया जुती मेरी होगी सिर तेरा होगा, अपनी जुती दे अगे ला के तो फिर तेनू मैं जाऊंगा नहीं, तो मैं उन्ना चिर दुनिया तो नहीं जाता। वाहिगुरु जदों इन्नी गल आखी गुरु के सिख ने ते बोल उन्हां दे पूरे हुंदे ने जिन्हां ने गुरु के बोल की कमाई की होवे, जिन्हां ने गुरु के हारी सारी दे बचन पूरे नहीं हुंदे, जिन्हां ने बचन मन्निया उन्हां दे बचन पूरे हो जांदे। जदों इद्या की तो उन्हें क्या इदा नहीं गल बननी, पहलों भाई तारू सिंह जी नूं चड़खड़ी ते चढ़ाया गया। चड़खड़ी का भाव हुंदा सी, एक ते हुंदी सी चड़खड़ी जिहदे नाल बंदे दे मास का तूंबा तूंबा उड़ जांदा सी, जिहदा रूह पिंजिया जांदा। एक चड़खड़ी उहे हुंदी सी कि बंदे दीआं हड्डियां तोड़दीआं ने, मारना नहीं अजे। उस चड़खड़ी ते चाढ़ के जदों पसलियां भन्नियां गईआं, हड्डियां भी तोड़ियां गईआं, फिर ला के आख्या तारू सिंह हुण दस तेरियां हड्डियां दा इलाज करा देंगे। अजे भी केस कटा के ते एक वारी कह दे मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख नहीं जा, तेनू बख्श देंगे। प्रण करके पूरे करन दा अज दिन आ, अज दा जिहड़ा दिन आ सिखी तो निशावर होण वालिआं दा। उन्हां कहा बिल्कुल नहीं, तू अपनी मन मर्जी कर, ते ए साडा इतिहास जे जिन्हां ने बचन मन्निआ गुरु का। उन्हें कहा नाई नूं बुलाओ बाजार विचों, नाई आ गया, उन्हूं आखन लगा जेडे जूड़े ते मान करदा इहदा जूड़ा कट के ते मेरे पैरां विच सुट। वाहिगुरू जकरिया खान ने आख्या इहदा जूड़ा कट के ते मेरे पैरां विच सुट। ते उधर भाई तारू सिंह जी कलगीधर पातशाह जी दे अगे अरदास करके कहिंदे आ, हरजू राख लो पत मेरी, 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 हरजू राख लो पत मेरी। अरदास पहुंच गई कलगीधर पातशाह जी दे दरगाह विच, ते उथों ये आवाज आउंदी आ भई जाम गुरु होए वल, तने क्या गार वदीजा है, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजा। कलगी वाले दी दरगाह विचो आवाज आई भी तगड़ा हो पुत्रा, इन्हां ने ते एक केस कटण वाला बुलाया, लख बंदा भी इकट्ठा होके आवे ते तारू सिंह अज तेरे को केस नहीं कट सकदा। वाहिगुरू सत श्री अकाल। फिर कैंची तिखी कीती, भाई तारू सिंह दे सिर तो पग लाई, पग ला के ते नाई ने आके जदों जूड़े नूं हाथ पाया ना, जिहड़ा केस कटण वाला सी जूड़े नूं ते हाथ पा लिया, क्योंकि भाई साहब जी दीआं बाहां पिछां नूं बधियां, हुण केसां नूं कट्टे कौण। तिखी बार बार कैंची कर करके केसां ते चलाई, कलगीधर जी दे घरों कोई ऐसी रहमत आई, कोई ऐसियां फौलाद दीआं तारां उहदे केस बण गए, कैंची घुट घुट के लाउण वाला उहदे अंगूठे ते ते उंगलियां ते छाले पै गए, पर भाई साहब दे केस नहीं कट्टे गए। वाहिगुरू इह गुरु की रहमत, जे को गुरु ते भरोसा करे। जदों केस नहीं कट्टे गए उहनें सिर फेरता, नवाब साहब खान बहादुर साहब इह केस नहीं कट्टे जांदे, उह कहिंदा कट्टे क्यों नहीं जांदे। फिर अपने बंदे उन्हें लाए भी शायद एक कटण वाला डर गया, हर बंदे ने उत्थे जोर लाया, पर भाई तारू सिंह जी का एक वाल भी वींगा नहीं होया। पता क्यों नहीं वाल वींगा होया? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, विच करता पुरख खलोआ, विच करता पुरख खलोआ, विच करता पुरख खलोआ, विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ, वाल ना विंगा होआ, वाल ना विंगा होआ, वाल ना विंगा होआ। जिहदी मदद ते गुरु आ जे ते फिर अपने बंदे दा मारे कहिंदे मैं ते अपने प्यारियां दा वाल नहीं विंगा होण दिंदा। नहीं कट्टिया गया केस। जकरिया खान जदों शर्म दा मारिया भरी कचहरी विच भी सिख दे केस नहीं कट्टे गए। उन्हें कहा फिर जुत्तियां गन्नण वाले मोची नूं लियाओ। मोची नूं लियांदा, उन्हूं कहा जिहड़ी चम कट्टण वाली तेरी रंबी आ ना, उह आखण लगा इहदा केस नहीं कट्टे जांदे, इहदी सिक्खी नहीं रहिण देणी, जे केस नहीं कट्टे जांदे ते इहदी खोपरी ला दिओ। वाहिगुरू। भाई तारू सिंह ने हस के आख्या मेरी सिक्खी नभा दित्ती है मेरे गुरु ने, गल सी भी महाराज केसां सवासां नाल नभा दिओ,
हुण खोपरी ला दे ते सौ वारी ला दे पर तू केस नहीं कट सकिया, तैनू भी लोग चेते रखणगे ते चेते गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह नू भी रखणगे। फिर वह गल होई मर गए शर्म दे नाल, भई जदों एक बंदे दे केस नहीं कट्टे गए, भाई तारू सिंह दे मत्थे विच उहने रंबी मारी ना जदों आण के ते इत्थों उहदा मास कट के वो रंबी मत्थे दे विच नंघा के ते आले दुआले फेरी पिछों दी लिया के जदों मत्थे ते लियांदी ते ये मास दे नाल ही ते सारी खोपरी जुड़ी हुई है। जदों अद्धी अद्धी पोटा नंघा के विच रंबी फेर दित्ती घुमा दित्ती ते जूड़े नूं फड़ के जदों तां खिच्चिया ते भाई तारू सिंह दी खोपड़ी चुकी गई। वाहिगुरु खोपड़ी खिच के लत मार के भाई तारू सिंह नूं एक जेल विच डूंघा टोआ सी उत्थे सुट दिता ते आखन लगा लै ओए हुण दस। भाई तारू सिंह ने आख्या हुणे ही पता लग जांदा मेरा गुरु किते गया नहीं गा, मेरा गुरु का यह हुक्म आ भी दुकालन प्रणासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते। तू खोपरी मेरे हाथ विच अपने फड़ी हुई है, मेरा गुरु भी हाजिर है, तेनू हुणे ही पता लग जांदा भी मेरा गुरु की कर सकता। हसदा हसाउंदा जकरिया खां गया अपने घर महल विच गया, जाके लम्मे पियाई आ ते पेट विच दर्द शुरू हो गई। पेट विच जदों दर्द शुरू होई एक घड़ी दो घड़ी एक पैर दो पैर शामा नूं पीड़ इन्नी ज़्यादा होई कि रात नूं जकरिया खां नूं बन पै गया, उहनूं पेशाब नहीं आउंदा। जदों बन पै गया दवाइयां वाले आ गए, हुण राजिआं दे घरां विच डॉक्टर भी ते हाई फाई होणगे, को माड़ा मोटा थोड़ा होगा। चोटी दीआं दवाइयां दित्तीआं पर जकरिया खां दा बन नहीं टुटा। लोने आख्या वो कि हल उत्थे एक सियाणा बंदा सी, उहने आख्या बन ते पैणा नहीं सी चाहीदा, किते ऐसी गल ते नहीं भी वह जिहड़ा सिख ने कहा सी भी तेरी जुत्ती नहीं जुत्ती मेरी होगी तो सिर तेरा होगा, तू उहदी नरादरी कीती आ उहदे कोलों जाके माफ़ी मंग। वह कहिंदा माफ़ी कादी, हो सकदा उहदी जुत्ती नाल ही मैनूं पेशाब आ जाए, उहदी जुत्ती लियाओ। उहदे सिपाही भाई तारू सिंह जी दे कोल आण के कहिंदे ने खालसा जी अपने पैर दी इक जुत्ती दिओ। तो आंदे की करनी आ, उह आंदा नवाब नूं बन्न पै गया उहदे सिर विच मारनी आ। भाई तारू सिंह जी कहिंदे ने अजे नहीं देनी, अजे उहनूं तड़फण दिओ। बिल्कुल मैं भी तो बैठा ही हाँ इत्थे, खोपड़ी लवा के कमर कसा खोल के उहनां सिर ते बन लिया सी। फिर साध संगत जी जोड़ा खड़िया, जोड़ा नहीं खड़िया दिता ही नहीं सी जोड़ा, जोड़ा उदों दिता सी जदों सरदार सुबेग सिंह नूं बुलाया गया लाहौर विचों। वो थानेदार सी मुगल फौज दे विच, उहनूं बुला के आख्या सुबेग सिंह किसी तरह भाई तारू सिंह दे कोलों जुत्ती लैके दे, जुत्ती दिंदा नहीं जिन्ना चिर जुत्ती नवाब दे सिर च वजदी नहीं उहदा बन नहीं टुटदा, तो तड़फदा ना उहदी मौत हुंदी आ ते ना उहदा बचा हुंदा। फिर सरदार सुबेग सिंह ने आख्या भाई साहब जी कृपा करके एक जुत्ती दे दिओ, नाले तुहाडा बचन पूरा होजू, दुनिया नूं पता लग जू कि बाणी पढ़न वाले दे बचनां विच ताकत किन्नी हुंदी आ। फिर भाई तारू सिंह दा एक पैर दा एक जोड़ा एक छित्र खड़िया जदों नवाब दे सिर विच मारिया ना पोला जिहा, उहनूं थोड़ा जिहा बाथरूम आया ते उह अपने सिपाही नूं कहिंदा थोड़ा जिहा तेज मारो, थोड़ा जिहा होर जोर दी मारिया, होर थोड़ा जिहा आया, फिर दौर दी, मैं गल लम्मी ना खड़ा। उहदे सिर विच ज्यों ज्यों जुत्ती वजदी सी उहदी पेट दी दर्द घटदी सी ते उहनूं बाथरूम आउंदा सी ते उह कहिंदा सी थल्ले बहि गया जकरिया खां जिहड़ा आकड़िया फिरदा सी ते दो बंदे खिलार दिते, आंदा उहनां चिर जुत्तियां मारी जाओ जिन्ना चिर मेरा पेट हौला नहीं हुंदा। ते साध संगत जी कई दिन जकरिया खां दे सिर विच उह जिहड़ी भाई तारू सिंह दी इक जुत्ती टुट गई, मुड़ के दूजा पैर भी लियांदा ते दूजे जुत्ती दे नाल भी इन्नियां जुत्तियां वजियां, इन्नियां जुत्तियां वजियां जकरिया खान दे के जुत्तियां मारदिआं मारदिआं दा दिमाग फिस गया। वाहिगुरु जदों दिमाग फिसा ते मंजी तो थले डिगा, थले डिगा ते मुड़ के वैदा ने फड़िया आख्या की होया की होया, पता लगा कहिंदे जुत्तियां ही इन्नियां मारतीआं ने भी दिमाग फिस गया, हुण इह बच नहीं सकदा। उह इशारा जी करी जांदा सी मारो, सिख दी जुत्ती ते जकरिया खान दा सिर, लाहौर दा गवर्नर गुरु के सिख दीआं जुत्तियां खांदा खांदा दुनिया तो चलिया गया। ते उहने दिन 21 दिन भाई तारू सिंह दी खोपड़ी लथ गई सी ते 21 दिन लाहौर दे किले विच पिया रहा, 20 दिन जकरिया खां दे सिर विच छित्र वजदे रहे ते जदों उह दुनिया तो चलिया गया फिर गुरु के सिखां ने आके आख्या भाई साहब जी इलाज वल्लों तुसीं मना कीता भी मेरा इलाज ना करायो,
ते साडे कोलो वेख्या नहीं जांदा क्योंकि अज 21 दिन हो गए ने खोपरी तो बिना तुसी इत्थे किले विच पए होए हो। हुण कृपा करो तुहाडे बचना विच बोलिया ताकत आ, तुसी हुण अपना शरीर शांत करके ते कलगी वाले दे चरणां विच पहुँच जाओ। भाई तारू सिंह जी ने आख्या जकरिया खान का की बनिया, कहिंदे जी ओह नरकां नूं चलिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का धन्नवाद किया, सच्चे पातशाह तुसी अपने पुत दे बोल पूरे कर दिते ने ते सिखी मेरी केसां सवासां नाल निभा दित्ती आ, तुहाडा धन्नवाद। भाई तारू सिंह जी ने आख्या हुण दो सिंह जाओ ते दरबार साहब श्री सरोवर साहब तो गागर जल दी भर के लियाओ अमृत दी, जदों मेरा संस्कार करोगे उस अमृत दे नाल मेरा इशनान करा दिओ, बालण दा भी इंतजाम कर लो। भाई तारू सिंह जी जपजी साहब कर लग पए, सुबेग सिंह दी जिम्मेवारी लाई क्योंकि वह कोतवाल सी थानेदार सी, उन्हां कड़ा प्रसाद की देख बनाई। दरबार साहब तो गागर दी जल आई सरोवर साहब दे विचों अमृत दी, वह लागे सारिया चीज़ां आ गईयां। जपजी साहब का पाठ हो गया, आनंद साहब का पाठ करके जदों सरदार सुबेग सिंह ने यह अरदास की, हे कलगीधर पातशाह तेरा कोटान कोट धन्नवाद, तुसी अपने सिख दी सिखी केसां सवासां नाल निभा दित्ती आ, हुण तुसी इह तुहाडे घर विच आउण लगा महाराज जी, अपने चरणां च थां दिओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ते उधरों भाई तारू सिंह जी दे प्राण पंखेरू हो गए, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। एक पासे ओ साडे वड्डे वडेरे जिन्हां दे सिर ते कृपाण रखी गई, जिन्हां दे लागे तकड़ बद्धा गया भई जिन्हां तेरा भार आ उन्हां सोना तोल के देंगे, पूले पिंड दे लागे तेनू जगीर दे देंगे, सरकारी हाकमी दे देंगे, एक वारी थोड़े जे केस कटाला मुड़ के फिर रख ली ते आ कह दे भी मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख नहीं। वह तो केस नहीं सी कटाउंदे, उन्हां नू पैसे भी दिंदे सी, मुगल अपनियां धीआं दे डोले भी दिंदे सी, अज जेबां विच पैसे पा के सिखां दे मुंडे नाइयां दीआं दुकानां ते जा जा के बहिंदे। वाहिगुरू, किड्डी दुख भरी गल आ। और साडे को कथा दी आस इह रखदे आ भई होर पोलियां पोलियां गल्लां सुनाओ, कदी रहत दी गल ना करियो, पर नहीं सिखी अपने मन दी नहीं हुंदी, सिखी सिख्या गुर विचार, सिखी ओ वा जिहड़ा गुरु दी विचार नू मन के ते फिर सिखी धारण करदा है, गली बाती सिखी नहीं। सत संगत जी महाराज कहिंदे सी मैं बहुतियां अच्छा किन्ने सिख सी उत्थे घुमाउण वाले, इतिहास ने तारू सिंह नू याद कीता है, इतिहास ने भाई मनी सिंह जी नू याद कीता है, इतिहास ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नू याद कीता है। गली बाती कहाउण वाले उत्थे सिख बथेरे सी, पर गुरु साहब जी दे पहले बोल सी कि रहत प्यारी मुझ को सिख प्यारा ना है, क्योंकि रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै। जिन्हां दी रहत सी उन्हां दे मुंह चो बोल निकले पूरे होए, ते किन्हां दे पूरे होए जिन्हां कलगीधर दे चरणां नाल चित जोड़ के उहदे बचनां दी कमाई कीती, उन्हां दे मन रंगे गए। रहिंदी दुनिया तक लोकी भाई तारू सिंह जी दी शहीदी नूं याद कर करके अपने बच्चियां नूं सोझी दिंदे रहणगे, मावां नूं वी सोझी नाल नाल ही आऊगी, मावां नूं वी, क्योंकि भाई तारू सिंह जी किन्हां दे घर जम्मणगे, जिन्हां दीआं मावां सेवा भगती वालियां होणगीआं, जिन्हां दीआं मावां दी अपनी रहत नहीं, वह आस ना करन भी साडे घर भी कोई गुरु का सिख पैदा होवेगा। रहत रखणगे ते रहतां वाले पैदा होणगे, कुखां जिहड़ियां ने ना वह पवित्र होणगीआं, पवित्र कुख दे विचों अगों गांह पवित्र कोई रूह पैदा होगी। आओ अज दे शब्द वल आईए, पवित्र होण दा तरीका की आ, सावण आया हे सखी जल हर बरसन हार, नानक सुख समन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। गुरु अंगद देव जी महाराज कहिंदे ने सावण आ गया है, भाव के गुरु मेहर करन वास्ते तैयार आ, गुरु नाम दा मीह पाउण वास्ते तैयार आ। सखी जेड़ी जेड़ी हिरदे दी झोली अड के रूह गुरु चरणा विच बहूगी, वह जिंदगी सुख नाल बतीत करूगी। आओ शब्द सरवण करो जी। देखिया रंग कुड़ाव्या, भाई तारू सिंह जी दा मन रंगया होया सी, ओनू गुरु की सिखी दे अगे बाकी सारिया चीजा झूठियां जापियां, कूड़ा जापियां, उन्हें तां करके गुरु के बचना दे उत्तों सब कुछ सदके कर दिता। दिसन सबे शारे, शार दा पाव सड़ के सवाह हो जाना। भाई तारू सिंह जी कहिंदे सी नवाबी सदा नहीं रहनी, जगीरां सदा नहीं रहनियां,
हाकमियां सदा नहीं रहनियां, यह तो खत्म हो जानियां ने। गुरु की सिखी निब जावे ते इहदे वर्गी गल नहीं होर कोई भी। हर अमृत बूंद सुहावणे, क्योंकि इन्हां हाकमियां विच इन्हां चौधरां विच सुख नहीं। सुहावणी का भाव आ, सुख देण वाली चीज कीड़ी आ? हर अमृत बूंद सुहावणी। सतगुर दे करो अमृत की एक बूंद प्राप्त हो जाए। एक बूंद की आ, किनका एक जिस जीव सावै तां की महिमा गनी ना आवै। एक किनका मात्री अज जिहदी झोली विच नाम की दात पैगी ना, मारे कहिंदे ने उहदी जिंदगी सारी विच सुख नाल भर जाएगी। मिल साधु पीवन हारे, नाम प्राप्त होएगा मारे कहिंदे ने। मिल साधु, साधु दा अर्थ आ गुरु। गुरु की संगत विच आण के रोज की करना? असीं कहिंदे ना फलाणे तूं अमृत पान कीता। अमृत पान असीं समझने आ शायद पंज प्यारियां दे कोल जाके। एक वह अमृत पान आ, एक होर अमृत पान भी जिहड़ा अज शब्द विच आख्या। मारे कहिंदे ने हरे अमृत पान करो, हरे अमृत पान करो, हरे अमृत पान करो, हरे अमृत पान करो, हर अमृत पान करो साध संग। मारे कहिंदे ने संगत विच भी अमृत पान कराया जांदा। जदों इत्थे नाम जपदे हो, कथा कीर्तन सुनदे हो, ये अमृत की वर्खा हो रही है। मिलूगा ओनू जिहड़ा हिरदे की झोली अड के गुरु के घर विच बहेगा, जिहड़ा चाहेगा भी मैनू अमृत चाहिए। गरीब नवाज जी कहिंदे ने गुरु की संगत विच बैठ के ओ नाम अमृत पीना कर। वंतन प्रभ संग मौलिया, जिहड़ा नाम प्राप्त करे, जिहदी सांझ वाहिगुरु जी दे चरणां च पै जाए, ओनू सारी जिंदगी सारे थां सुख बन जांदा है जी। समर्थ पुरख अपारे, कुछ अखर इदां हुंदे आ बाणी विच जिन्हां नू पढ़ीदा समर्थ। जदों सस्से दे उत्ते पहलों टिप्पी आ गई, इहनू समर्थ नहीं अहीं पढ़ सकदे, इहनू पढ़ांगे समर्थ। क्योंकि सारे संगत सहज पाठ करदी है, सारिआं नूं इहनां बरीकियां दा पता लग जाए। जिन्ना कु सानूं महाराज ने अकल दित्ती उन्ना कहीं नाल नाल, जदों कोई अक्खर इदां दा आउंदा असीं सारिआं नूं दस्सी जांदे आ इह जदों वी आएगा इहनूं समर्थ नहीं बोलणा, क्योंकि सस्से दे उत्ते टिप्पी आ। समर्थ करके बोलणा, समर्थ पुरख अपार। सारिया समर्था का मालक वो अकाल पुरख जी का हद बना ही कोई नहीं, जिदे ताकत इनिया भी जिदा हद बना ही कोई नहीं। तू ओ जुड़, तेरे घर भी खुशियां दे नाल भर जाणगे। हर मिलने नू मन लोचदा, ओदा दे हर एक का मन करदा भी मेरा रब नाल मिलाप हो जाए। हर कोई कहिंदा परमात्मा दे नाल मैं मिल पवां। करम मिलावण हारे, पर ओदी बख्शिश तो बिना कोई मिल नहीं सकदा, ते ओ किसे नाल पक्षपात नहीं करदा। जिहड़े अमृत वेले दे उठ के ओदी जात नाल जुड़े होए ने, उहनां दे उत्ते ओदा करम वरतदा है। करम दा भाव आ ओदी मेहर। ते जिन्हां ने उठ के अजे तक इशनान ही नहीं कीता, जिहड़े गलियां च खलो के गली बाती साध बनण दी गल करदे, जिहनूं गुरु नानक देव जी कहिंदे ने गली असी चंगियां आचारी बुरियां, कम चंगे नहीं। केवल गलियां बाजारां च खलो के अपना प्रचार करना भी इदां करना चाहीदा, बंदे नूं इदां करना चाहीदा। गली बाती किसी नूं भी शौ दी प्राप्ति नहीं, उदां मिलना हर कोई चाहुंदा। पर मारे कहिंदे ने करम मिलावण हार, बंदे दा करम वेख्या जाएगा। जिदे कर्म चंगे होणगे उहदे उत्ते गुरु की गुरु का कर्म होवेगा। कर्म दा अर्थ आ मेहर, दया, उहदे उत्ते दया करके मिला लिया जाएगा। जिन्नी सखीए रब पाया, गुरु अर्जन देव जी कहिंदे ने जिन्हां सखियां सहेलियां जिन्हां गुरु के सिखां प्यारियां ने वाहिगुरु जी नूं प्राप्त कीता है, तिनके सद बलहार। सदके जाइए उन्हां ते जिहड़े अमृत वेले तो उठ के जप रहे ने सतनाम श्री वाहिगुरु। नितनेम कीता है, गुरु की विचार सुनदे आ, जिहड़ा रहतवान जीवन रख के जिंदगी विच चल रहे ने। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे ने ऐसे प्यारियां तो सदके जाइए। नानक हर जी मैहा कर, हुण मारे कहिंदे ने जे किसी का मन इस पासे नहीं ना तुरदा तो मया इत्थे भी मैं एक माड़ा जिहा दस दिया। ये जिहड़ा मया अखर है ना, बहुते पढ़ जाते हैं, मैं खंड पाठी भी सुने ने कुछ, बहुते पढ़ जाते हैं माया। इहनू माया नहीं पढ़ना, नानक हर जी माया कर। माया दा अर्थ आ पैसा। इत्थे कन्ना मुकता है, नानक हर जी मया कर। माया दा अर्थ आ मेहर कर।
महाराज साढ़े उत्ते दया कर, की दया कर, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकर, सदा सदा तुद त्याई, तुम करो दया मेरे साई, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। नानक हर जी माया कर, महाराज मेरे उते एक मेहर कर। शब्द सवारण हार मेहर ए कर भी मैं अपनी अकल नाल अपना जीवन सवारन दी कोशिश कीती पर मैं सवार नहीं सकया। मैं अपनी सियाणप नाल कुछ बनन दी कोशिश कीती पर मैं नहीं कुछ बन सकया। मैनू संगत विच आण के पता लगा वा जिन्हां ने शब्द राही अपना जीवन सवारिया वह सारे सवारे गए, तो जिन्हां ने शब्द का आसरा नहीं लिया वह गल्लां बातां करन वाले रह गए, उन्हां दे पल्ले कुछ भी नहीं पिया। तू कृपा कर शब्द नाल जोड़, शब्द का ज्ञान दे, शब्द की सोझी दे, शब्द की कथा दे नाल मैनू जोड़, क्योंकि जिहड़ा जिहड़ा शब्द नाल जुड़ गया वह परमेश्वर का रूप ही हो जाता है, क्योंकि शब्द आप परमेश्वर आ। मारे कहिंदे ने वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड अवर ना कोए। ये अज दी शब्द अज दी विचार, जिन्हां शब्द नाल जुड़ के गुरु कोलों मेहर मंगी उन्हां दी झोली जरूर भरी और उन्हां दे दुख कलेश चिंता सब गुरु साहब जी ने मका दित्तियां। महाराज सब दा भला करे। महाराज गरीब नवाज फिर अगली पंक्ति महाराज कहिंदे ने आओ सरवण करो जी। सावण तिना सुहागणी, हाँ जी, जिन राम नाम उरतार, राम नाम उरहार। ए अंतली पंक्ति गरीबन वाज जी कहिंदे ने सुहागण पता कौन आ। हिंदू धर्म दे विच ए सुहागण उहनू मन्निया जांदा जिहदे गल दे विच मंगल सूत्र होवे। जदों किसी का पति सिर ते ना रवे तो अपने गल विचों मंगल सूत्र परां कर देंदी, क्योंकि सुहागण नहीं, कुवारी लड़की मंगल सूत्र नहीं पा सकती, मंगल सूत्र सुहागणा की निशानी आ। तो गरीब नवाज जी कहिंदे ने गुरसिखां की निशानी की आ, सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम और हार। मारे कहिंदे ने तुहाडी निशानी ये आ भी तुहाडे मूँह विच चलदा रवे वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। गुरु साहब जी कृपा करन। चलो बहुतियां नूं आस हुंदी आ भी इस ढंग नाल कह दिओ भी सावण का महीना चढ़िया तो महाराज सारे वास्ते सुखा का लिया वे, पर सावण फिर आ जाना। मैं गल इतों शुरू की भी संगरांद का अर्थ हों क्रांति बदला, सुख उन्होंने आ जिन्होंने अपने आप न बदल लिया है, जिन्होंने गुरु का बचन मनिया है। महारे केंद्र जिन्नी सुन के मनिया हों तिन बलहार है जाऊँ। महाराज सब का भला कर, भुला चुका की खिमा ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ।
जुनी सपंगर वाहे गुरु जी का खालसा।